सीधा सीधा उठाना है ऊपर पीछे, जहां तक आपको दर्द नहीं हो आसानी से इस घुटने के लेवल तक लिया हो, उठा के थोड़ा रोकना है, 10 सेकंड के लिए रोक दो, 10 मिनट की करते ना कि देर में रोक के रखो, फिर धीरे धीरे नीचे ले जाओ। फिर इस वाले को मोड़ दो, इस वाले को सीधा करना है, ज्यादा ऊंचा में तो उठा उठना उठा पंजा खींचो, पहले ऊपर खींच लो, थोड़ा उठा लो चीज, जितना आसानी से आसान लगे ना कि भाई इतना ठीक है, इससे ऊपर दर्द हो रहा था और नीचे कर लो, जितना आसानी से हो पाता उतना कर लो, धीरे धीरे इसे उठने के लेवल तक आ जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे कर लो, समझ गया ना ये तो। फिर मोड़ लो वहां, एक को पकड़ो अपनी तरफ, दोनों हाथों से पकड़ लो, आपकी तरफ ले जाओ, दबा के रखो जहां तक गर्मी हो, 10 सेकंड के लिए दबा के रोक के रखना, फिर रेस्ट कर लो, ऐसे इसको ले लो, 10 सेकंड के लिए दबा के रोक के रखना, फिर रेस्ट कर लो, एक बार इसको, एक बार इसको, एक एक की आराम से कर लो, तो फिर दोनों को साथ में भी ले सकते हो, दोनों को भी ले सकते हो साथ में, दोनों को आप इधर 10 सेकंड के लिए दबा के रखो, फिर थोड़ा रेस्ट कर दो, फिर 10 सेकंड आप इधर दबा के रखो, फिर छोड़ दो, दोनों पांव नीचे रख लो, हाथ सीधे कर लो, थोड़ी सी कमर उठाओ से बीच में सकते हो, किसी उठा के थोड़ी देर के लिए 5 से 10 सेकंड के लिए उठा के रखना, फिर थोड़ा रेस्ट कर दो, फिर उठा के रखो, फिर रेस्ट कर दो, ये करना, एक दोनों घुटनों के आपकी हाथ की अंगुलियां टच करके थोड़े से आप हल्के से आगे से उठो, थोड़ा पेट का दबाव नीचे, यहाँ 5 से 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है, फिर रेस्ट कर दो, फिर वापस उठाना, फिर रेस्ट कर दो, दोनों हाथों को बांध लो, पाँव को मेरी तरफ उठाओ, मुंह उधर कर लो, 5 से 10 सेकंड के लिए पैर तुझ से राइट में कर किए हैं तो लेफ्ट में फेस करना है, ऐसे पाँव को लेफ्ट में किया तो फेस राइट में कर, ऐसे यहाँ पे आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग फील होगी खिंचाव सा, 5 से 10 सेकंड के लिए फिलहाल, तो एक बार इतनी करिए, बाद में